अपने व्यवहार में राहुल गांधी झूठे व्यक्ति नहीं है, जितना मैंने कांग्रेस पार्टी को नजदीक से कवर किया है। जब उनको चुनाव के दौरान ये कहते हैं कि भाई आप ये वादा कर दीजिए किसानों का कर्ज माफ हो जाएगा, तो वे कहते हैं कि नहीं, पहले इस पे मुझे एक रिपोर्ट दो कि क्या हम ये कर सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है। सेबी जो चीफ है माधवी भुज, उनको लेके, अडानी को लेके जो खुलासे हो रहे हैं उसको लेके वीडियो जारी हो रहे हैं। हाँ, राहुल गांधी खेड़ा जी, राहुल गांधी के साथ पवन खेड़ा। हाँ, मैं वही कहने वाला। ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट पे आ रहा है। जयराम पीछे छूट गए, पवन खेड़ा आगे दौड़ रहे हैं। आज तारीख है 15, 20 तारीख को वोटिंग होनी है। अगले 5 दिन हिंदुओं का जो धर्म है वो खतरे में है। सिर्फ 5 दिन का कवच है आपके पास, राजनीतिक कवच, उसके बाद सब सुरक्षित हो जाएगा। क्यों आजकल जयराम रमेश ठंडे पड़े हुए हैं और उनके नीचे संगठन में काम करने वाले, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में काम करने वाले पवन खेड़ा एक के बाद एक वीडियो में राहुल गांधी के साथ दिख रहे हैं? क्या है इसके पीछे का खेल? महाराष्ट्र के चुनाव में क्या हो रहा है और झारखंड में क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव हारती है तो इसकी बड़ी वजह कांग्रेस पार्टी होगी? कांग्रेस पार्टी कहां पिछड़ रही है? राहुल गांधी को किन बड़े उद्योगपतियों ने फोन किया, और अगर फोन किया तो क्यों किया, और किया है तो क्या इसके पीछे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की कोई चाल है या असल में ऐसा कोई फोन आया है? इन सब के अलावे शो के आखिर में हमेशा की तरह आपके सवाल हैं और आदेश रावल के जवाब हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ऑफ कैमरा का ये एपिसोड। आखिर तक बने रहिए, बहुत दिलचस्प बातचीत होने वाली है। कैसे सर? बहुत बढ़िया, आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ। तो आखिरी जो एपिसोड हमने किया सचिन पायलट जी पे, तो उसके बाद बातचीत हुई आपके पायलट जी से, मतलब किसी और संदर्भ में? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं, इस बार नहीं हो पाई क्योंकि चुनाव चल रहे हैं ना महाराष्ट्र, राजस्थान बाय इलेक्शन, आजकल सब नेता बिजी हैं। तो मैं खुद से फ़ोन नहीं करता ज़्यादातर नेताओं को जब चुनाव चल रहा होता है, क्योंकि व्यस्त रहती है सबकी, अपने अपने राज्यों में उपचुनाव भी है, फिर महाराष्ट्र झारखंड में कैंपेन भी करना है, तो ऐसे समय में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। यहीं से जो आपने बोला उसी से एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि किसी भी नेता को जो थोड़ा सा केंद्रीय मंत्री रह चुका है, मुख्यमंत्री रह चुका है, ऐसे किसी नेता को अगर अप्रोच करना होता है तो क्या तरीका होता है? मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं, या फिर कैसे होता है, या उनके पीए के थ्रू बात होती है? नहीं, डिपेंड करता है कि आपका रिश्ता कैसा है। बहुत सारे लोगों के रिश्ते उनके पीएस के थ्रू होते हैं, बहुत सारे लोगों के रिश्ते डायरेक्ट होते हैं। तो मैं जनरली SMS करना प्रेफर करता हूँ कि आपने SMS करके छोड़ दिया, जब आपके पास समय होगा, यानी मुझे आपसे ही बात करनी है, मैंने आपको SMS कर दिया, आपके पास समय होगा मुझे कॉल बैक कर लेंगे जी। तो मेरा तरीका ये है, लेकिन मैं सबको उसमें शामिल नहीं कर सकता क्योंकि सबके तरीके अलग अलग होते हैं। लेकिन दिल्ली के जो मतलब दिल्ली में जो बड़े नेता हैं या जो राज्य नेता बड़े हैं, उन सबका तरीका जो सबसे अच्छा, जो खासतौर पर कांग्रेस पार्टी में, वो SMS का जरिया है। अच्छा। और उनके फोन में व्हाट्सएप भी नहीं होता। ये बड़ी जानकारी है। लेकिन ये बताइए कि मैं आपका पोस्ट देख रहा था एक्स पे, कांग्रेस का जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है उसको लेकर के कुछ नाराजगी आपने जाहिर की, जबकि यही वो डिपार्टमेंट है जिसे पत्रकारों का सबसे ज्यादा लेना देना होता है जहाँ तक मेरी जानकारी। कांग्रेस पार्टी के जो मीडिया विभाग के चेयरमैन, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं, वो जयराम रमेश हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि कांग्रेस पार्टी में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, ना ही ब्रीफिंग कर रहे हैं जब से लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आए हैं, ना डिब्रीफिंग कर रहे हैं, ना ही बता रहे हैं कि क्या करने वाले हैं। पहले क्या होता था जनार्दन द्विवेदी के समय, अजय माकन के समय, सुरजेवाला के समय, कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, उसके बाद डिब्रीफिंग होती थी, पार्टी क्या करेगी, पार्टी की स्ट्रैटेजी क्या है, चुनाव में कैसे जाएगी, कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने लिखा वो। तो ये कोई रणनीति है या फिर किसी और? नहीं, ये मूर्खता है, कैसे बताता हूँ। इसके पीछे कहानी क्या है, कभी एक्सप्लेन करें थोड़ा इसको। तो उसके पीछे कहानी ये है कि आजकल सेबी जो चीफ है माधवी भुज, उनको लेके, अडानी को लेके जो खुलासे हो रहे हैं उसको लेके वीडियो जारी हो रहे हैं। हाँ, राहुल गांधी खेड़ा जी, राहुल गांधी के साथ पवन खेड़ा। हाँ, मैं वही कहने वाला। ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट पे आ रहा है। जयराम पीछे छूट गए, पवन खेड़ा आगे दौड़ रहे हैं, समझे?
यानी पवन खेड़ा तो महज चेयरमैन है, हाँ। जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज जयराम रमेश है, हाँ। तो ये जो अपने आप को समेट लिया है जयराम रमेश ने, उसकी जो बड़ी वजह है वो पवन खेड़ा के ये वीडियोज हैं जो राहुल गांधी के साथ आ रहे हैं। यानी अगर मैं उसके पॉलिटिकल मैसेज को डिकोड करूं तो ये लगता है कि शायद पवन खेड़ा जो है वो इस पोस्ट के लिए फ्रंट रनर हो गए हैं। अब वो अपने बॉस जयराम रमेश को ही, अब उनको मतलब उनसे आगे निकल रहे हैं वो, नहीं नहीं निकल तो चुके हैं वो, निकल चुके हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से जब तक आपको जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज मीडिया नहीं बनाया जाता, हाँ। तब तक तो आप फ्रंट रनर है ना। तो उसकी बड़ी वजह ये है, उन्होंने अपने हाल पे छोड़ दिया कि जाओ तुम्हें जो करना है कर लो। अब दूसरा क्या है ना, जयराम रमेश की जो राज्यसभा है वो मतलब चौथी बार राज्यसभा है वो, मुझे लगता है कि आखिरी है वो इस बार। अब वो तो उन्होंने भी सोचा छोड़ो ना यार मुझे क्या करना है, मेरी भी आखिरी है। लेकिन उनकी जितनी भी राज्यसभा हुई है वो गांधी फैमिली ने दी उनको, अब उनका इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि नजर नहीं आ रहा कुछ कि उनको राज्यसभा मिल जाएगी पांचवी बार। तो बहुत सारे कारण है। जब जयराम रमेश की बातचीत चली है तो जब ये भारत जोड़ो यात्रा फिर सेकेंड फेज यात्रा जब निकल रही थी उस समय की बात अब करें, जयराम रमेश बहुत एक्टिव रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस और बाकी चीजें। आप 2022 की बात कर रहे हो, हाँ, तब यात्रा शुरू हुई थी, हाँ, एक्टिव रहे सब कुछ किया आपने, हाँ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, हाँ, कि दो राज्यों में चुनाव चल रहा है, क्या आपने कहीं देखा है कि जयराम रमेश कहीं जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आए हो? आप इतनी बड़ी पार्टी के मीडिया चीफ हैं, आप पार्टी के महासचिव हैं, कि आपने कहीं जाके ब्रीफ किया हो कि भैया ये हमारी स्ट्रेटेजी है, ये हमारी रणनीति है, ये हम या कोई हमला किया हो बीजेपी के ऊपर? वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा ना। इसलिए मैंने लिखा कि कम्युनिकेशन जो है ना वो इनकम्युनिकेट हो गया है, मतलब लिखा ही नहीं उसके। लेकिन मसाला कहीं और है ना, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि 2016 या 17 की बात है, मैं एक न्यूज रूम में काम कर रहा था, उस समय जयराम रमेश आए थे टॉक के लिए, और उनसे जब वहाँ जो हमारी एडिटर थी उन्होंने पूछा कि कैसे आप मोदी सरकार को वो करेंगे, तो बड़ा कैजुअली उन्होंने कहा कि वक्त के साथ सब हो जाएगा अपने आप। तो मैं पूछना ये चाहता हूँ कि जयराम रमेश का पूरा जो अप्रोच है चीजों को लेने का, वो वाकई वो एक्टिव रह करके लेने वाला है या कैजुअली जैसे अभी वो डील कर रहे हैं जी छोड़ दिया? जयराम रमेश कांग्रेस पार्टी की करीना कपूर है, वो खुद के फेवरेट हैं। वो कौन है जिसने पू को मुड़ को नहीं देखा? वो जयराम रमेश है। वो सुबह उठेंगे, एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे, उसको अपने ट्विटर से ट्वीट कर देंगे और काम खत्म। आपको मन करे आप दो पेज पढ़ के उसमें से एक लाइन की खबर निकाल लो, उसको आप चला लो, वो आपकी मर्जी है, आपको इतना संघर्ष करना पड़ेगा। अखबार उसको छाप लें, वो भी अंग्रेजी के, हिंदी वालों से बात नहीं करते, वो हिंदी वालों से नहीं बात करते, उनको लगता है कि जो IIT IIM के पढ़े लिखे लोग हैं ना बस वही पढ़े लिखे हैं इस देश में, बाकी सब ऐसे ही हैं। समझे बात? हाँ, मैं समझ गया। तो जयराम रमेश जो है कांग्रेस पार्टी करीना कपूर है, खुद के फेवरेट। इस बयान पे अब उदाहरण उसका, हाँ हाँ प्लीज बताइए। राहुल गांधी ने LOP बनने के बाद दो स्पीच दी जिसकी बहुत तारीफ हुई कि भैया क्या स्पीच दे रहे हैं, वाह कमाल कर दिया। कांग्रेस पार्टी के मीडिया विभाग के चीफ ने एक ट्वीट तक नहीं किया उसके ऊपर, इससे बड़ा क्या उदाहरण दूं? बाकी आप समझदार हो। तो मुझे ये समझाइए, जब मैं आ रहा था आपसे मिलने के लिए, हालांकि आपने खुद ही चर्चा कर दिया, तो मेरे मन में ये सवाल था पवन खेड़ा के वीडियोज को लेकर के, ये हुआ कैसे कि जयराम रमेश मतलब सब कुछ देख रहे हैं मीडिया के और ये वीडियोस आने लगे पवन खेड़ा के साथ, इसके पीछे कुछ तो कहानी होगी। जब कोई काम नहीं करेगा और किसी बंदे ने इनिशिएटिव लेके काम किया तो उन्होंने उसको रिकॉग्नाइज किया कि ठीक है भैया कोई तो कर रहा है पार्टी में काम, कोई तो है जो अड़ाने की बात कर रहा है। क्या था, जब रफेल आया था 2019 से पहले, तब जब राहुल गांधी ये कहते थे कि भैया प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है करवाओ किसी से, तो कोई राजी नहीं होता था क्योंकि सबके संबंध थे अनिल अंबानी से। ज्यादातर नेताओं के अक्रॉस द पार्टी लाइन कॉर्पोरेट हाउस से संबंध होते हैं, ठीक है, तो रफाल पे बोलने के लिए कोई राजी नहीं होता था। ऐसे ही अब अडानी पे कम से कम कोई बोल तो रहा है, तो राहुल गांधी ने उस बात को रिकॉग्नाइज किया और उनके साथ उनकी टीम जो वीडियो बना रही है, इसके पीछे कारण ये है। चलिए, ये दिलचस्प है पवन खेड़ा और जयराम रमेश के हवाले से। अब चलते हैं थोड़ा दो राज्यों में जहां चुनाव हो रहे हैं। झारखंड में जितनी मेरी बातचीत हो रही है अलग अलग पत्रकारों से जो वहां घूम रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर JMM लैग करती है तो उसकी बड़ी वजह जो है वो कांग्रेस होगी, कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब हो रही है राज्य में। तो ये राज्य दर राज्य, हालांकि झारखंड में भी एक फेज का चुनाव बचा हुआ है, राज्य दर राज्य जो पार्टी की स्थिति खराब हो रही है, इसमें कुछ सेंट्रल लीडरशिप राहुल गांधी सोचते हैं या फिर वही जयराम रमेश वाला रवैया है कि नहीं चलने तो जैसे चल, नहीं नहीं सोचते हैं, अलायंस भी अच्छे से किया था। ये बात सही है जो आप कह रहे हो, मैं सहमत हूँ इस बात से कि कांग्रेस पार्टी की पिछली बार 17 सीट आई थी
और इस बार वो डबल डिजिट में नहीं आ रही है, अभी तक संघर्ष चल रहा है। तो जेएमएम को उनके एलाइज से काफ़ी सपोर्ट चाहिए था, जो कांग्रेस पार्टी से, जो उनको मिलना चाहिए था। अब जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, ऐसा मतलब ऐसा मुझे अनुमान है मेरा कि अगर कांग्रेस पार्टी डबल डिजिट में आ जाती है तो अच्छे चांसेस होंगे जेएमएम के जी, क्योंकि आरजेडी और माले भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, कोई बुरा नहीं कर रहे हैं उन लोग। इसमें जो सबसे वीक पार्टी है वो कांग्रेस निकल के आ रही है झारखंड के अंदर। तो जो आपने बात कही मैं उस बात से सहमत हूँ, लेकिन अब देखना ये है कि क्या सही मायने में वो 7-8 सीटों पर सिमट रहे हैं या नहीं, या 50% सीटें आप हार रहे हो या आपकी सीटें डबल हो सकती हैं। इस पे मुझे ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा बहुत एग्रेसिव कैंपेन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। झारखंड इतना अग्रेसिव स्टेट नहीं है, ये सिर्फ ये एक बात है। दूसरा, नियर अबाउट 68 या 67 सीट से बीजेपी लड़ रही है, ठीक है, उनका सक्सेस रेट क्या रहता है उस पर भी डिपेंड करेगी चीजें। इधर क्या है, इधर ज्यादा एलाइज हैं जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, माले, वहां एलाइज कम है क्योंकि वो पहले मर्ज कर चुके हैं पार्टी के अंदर। तो इंटरेस्टिंग चुनाव है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की परफॉर्मेंस पे तय होगा कि सरकार हेमंत सोरेन की बनेगी या बनेगी कि नहीं बनेगी। हम लोग रिजल्ट के बाद इसको फिर बातचीत कर लेंगे जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, तब अभी चुनाव के बीच में। महाराष्ट्र का चुनाव बड़ा दिलचस्प हो गया है, योगी आदित्यनाथ झारखंड भी गए, योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र भी गए, बटोगे तो कटोगे वाला नारा उनका, प्रधानमंत्री ने भी उसको दूसरे तरीके से उठाया था, लेकिन अब महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के ही नेता और जो सहयोगी है वही कह रहे हैं कि हमें इस नारे की यहाँ जरूरत नहीं है। क्यों सोचा, मैं आपसे समझना चाहता हूँ। महाराष्ट्र में नेचुरल अलायंस किसका था, एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना और बीजेपी, ये थे नेचुरल अलायंस जी, वो टूट गया। अब विचारधारा रखी अलमारी में और सत्ता है प्राथमिकता, तो इसलिए अजीत पवार जो है वो बीजेपी के साथ हैं और एकनाथ शिंदे जो है वो बीजेपी के साथ हैं। एकनाथ शिंदे को मैं फिर भी बीजेपी के साथ नेचुरल लड़ाई बोल सकता हूँ, एनसीपी को नहीं, मतलब अजीत पवार को नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता, 99 से लेकर 2014 तक एनसीपी कांग्रेस की सरकार वहां 15 साल चली, ठीक है। अब उनका वोट बैंक क्या है, उनका वोट बैंक है मराठा, मुस्लिम, दलित, ठीक है। अब योगी जी कह रहे हैं कटोगे तो बटोगे, तो उस चीज का असर अजीत पवार के क्षेत्र पे और उसके उनकी सीटों पे आ रहा है क्योंकि उनका वोट बैंक तो वही था। अब उनके अलावा बीजेपी है, अब देखना मुझे ये है कि क्या उनको मराठा वोट देगा अजीत पवार को, क्या मुस्लिम वोट देगा। क्यों कह रहे हैं वो कि इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे, इसलिए कह रहे हैं। अब अशोक चव्हाण के फादर मुख्यमंत्री, वो खुद मुख्यमंत्री, वो बीजेपी का हिस्सा है, अब उनका भी जो वोट बैंक है वही है जो सदियों से चला रहा है, इसलिए उनको ये बोलना पड़ रहा है। तो नेचुरल अलायंस ना होने के कारण योगी जी का जो स्टेटमेंट है उससे उनके सहयोगी भाग रहे हैं, नंबर वन। नंबर टू, योगी जी के स्टेटमेंट को अमित शाह ने कैसे धर्म की राजनीति को कैसे जाति में कन्वर्ट कर दिया, कैसे बताता हूं। 2019 में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी थी 105 सीटों के साथ, देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनना था दूसरी बार, और मेरे हिसाब से काफी लंबे अरसे के बाद किसी ने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था, देवेंद्र फडणवीस थे। तो जितने मराठा नेता थे महाराष्ट्र के सब इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, 10 साल तक ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं झेल सकते, क्योंकि मराठा जो है ना वहाँ वो सारे बिजनेस को होल्ड करता है, कोऑपरेटिव्स को, शुगर मिल्स को, जितने भी बड़े धंधे हैं ना वो सब मराठों के पास है। तो फिर क्या हुआ, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस वो साथ में आए। अब अमित शाह का स्टेटमेंट ये आता है, जबकि उनके अलाई चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे, कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हो सकते हैं। वो लड़ाई जो धर्म की थी, हिंदू मुस्लिम की थी, वो तुरंत कन्वर्ट हो जाती है मराठा वर्सेस ब्राह्मण में। तो एक तो ये चीज दिखाई दे रही है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन योगी जी एंड अमित शाह, ठीक है। दूसरा, ब्राह्मण वर्सेस मराठा, जो आप हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन करना चाह रहे थे वो एकदम से उधर चला गया। तो ये इतना आसान नहीं है जितना दिख रहा है। नहीं, लेकिन ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं अमित शाह, क्योंकि बाकी राज्यों में, झारखंड में ले लीजिए, झारखंड में तो उनका पूरा जोड़ ही है हिंदू बनाम मुस्लिम पोलराइजेशन पे। झारखंड संभाल कौन रहा है, हेमंत बिस्वा शर्मा, किसके आदमी है वो, अमित शाह के।
अमित शाह कोटे के मुख्यमंत्री कोई अगर है वो हेमंत बिस्वा सरमा है। अगर आपको याद हो बीसीसीआई का चुनाव जी, असम छोड़ के बम्बई बैठे थे कई दिन तक, जिस चुनाव को जैसा लड़ रहे थे। नहीं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि झारखंड में जहाँ पार्टी हिंदू बनाम मुस्लिम करना चाह रही है उस पर काम कर रही है, वो उनके सूट करता है, महाराष्ट्र में वो क्यों चाह रहे हैं कि भाई ये जाति पे चला जाए? चाह नहीं रहे, वो राजनीति में दाव होते हैं, हर राज्य की एक तासीर होती है। हो सकता है कि ना तासीर हो महाराष्ट्र के हिंदू मुसलमान की और झारखंड की हो, वहां क्यों लाए घुसपैठिए का मुद्दा कि बांग्लादेश से सब आ रहे हैं। अरे तुम कह रहे हो बांग्लादेश से सब आ रहे हैं तो बॉर्डर सिक्योरिटी किसके पास है? होम मिनिस्टर के पास है ना। शेख हसीना कहाँ है? किसने रेस्क्यू किया उसको? अजीब बातें कर रहे हो यार, कोई लॉजिकल बात तो करो। आज मैं सुबह एक चीज लिख रहा था, याद आया, लिख रहे थे, हाँ, लिख भी दिया मैंने। अच्छा, कि अगले 5 दिन, आज तारीख है 15, 20 तारीख को वोटिंग होनी है, अगले 5 दिन हिंदुओं का जो धर्म है वो खतरे में है। सिर्फ 5 दिन का कवच है आपके पास, राजनीतिक कवच, उसके बाद सब सुरक्षित हो जाएगा, सब अपने अपने काम में लग जाएंगे जो पक्ष में। 20 तारीख तक शाम को 6 बजे तक जब तक वोट पड़ेंगी तब तक हिंदू खतरे में है। फिर अगले साल जनवरी में फिर खतरे में आएगा, दिल्ली चुनाव होगा, फिर पूरा साल ठीक रहेगा और फिर आखिर में आएगा बिहार में खतरे में, है ना? यही तो होगा, और क्या होगा? चुनाव के समय हिंदू खतरे में आ जाते हैं। ये राजनीति का हिस्सा है और इस पे तो अभी कन्हैया कुमार ने भी एक बयान दिया। अच्छा, वो जो बयान दिया कन्हैया कुमार ने देवेंद्र फडणवीस की वाइफ का बिना नाम दिए हुए, उसको लेकर के सुना नहीं, आपको रिपीट करना पड़ेगा वो। हाँ, उसमें उन्होंने कहा कि भाई ऐसा नहीं चलेगा कि हम जो लड़के हैं वो हिंदू धर्म बचाएं, उसके लिए रैलियां निकालें, यात्राओं में जाएं, और डिप्टी सीएम की वाइफ जो वो इंस्टाग्राम पर रील बनाएं, है ना, उनको भी आना पड़ेगा। मतलब नेताओं के बाल बच्चों को भी आना पड़ेगा हिंदू बचाने में, अगर बचाना है तो। नहीं, उसमें कोई गलत बात नहीं कही उन्होंने। हाँ, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि ये मराठाओं का अपमान है, एक एक, एक महिला जो। देखो, मैं इस पे बीजेपी क्या कह रही है, कन्हैया ने क्या कहा, वो छोड़ देता हूँ। मैं आपको एक अपना इसका व्यू दे देता हूँ। वो क्या है कि जब दंगा होता है कौन मरता है? गरीब लोग मरते हैं, गरीब बच्चे मरते हैं, स्टूडेंट्स मरते हैं, बेशक, है ना। और जो करवाते हैं, जो स्टेटमेंट देते हैं, ऐसे ऐसे, आप ना, आप महाराष्ट्र चुनाव के दौरान नेताओं की भाषा को देख लीजिए। कोई किसी को औरंगजेब कह रहा है, कोई कुत्ता कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अब मैं इसमें गलती नेताओं की नहीं मानता, समाज की मानता हूँ, जनता की मानता हूँ, क्योंकि आपको इन सब में मजा आता है, इन भाषाओं में मसाला मिलता है ना। नहीं, नहीं, मसाला नहीं मिलता उनको, कुछ नहीं मिलता उनको, कुछ नहीं मिलता, आपको मजा आता है इस भाषा का, आपको मजा आता है कि यार देखो क्या कह दिया उसने। लेकिन उनका असर आपके बच्चों पे पड़ता है। आप कैसी राजनीति देश को देना चाहते हो ये आप तय करोगे। इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट है, कोई फॉलो नहीं करता, क्योंकि सबको पता है कुछ होना ही नहीं है। एक नोटिस आएगा, उसका जवाब दे देगा आपका वकील बैठ के बना के। तो जनता इस माहौल के लिए जिम्मेदार है। अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ जी। आपको याद है जब निर्भया वाला केस हुआ था 2013 में? अच्छे से याद है। हिंदुस्तान के लोगों ने, युवाओं ने सरकार से ये मांग करी कि ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। करी, राष्ट्रपति भवन तक पे लोग चढ़ने के उतारू हो गए थे। मैं खुद था विजय चौक पे। हाँ, मैं भी कवर कर रहा था उसको। तो मांग करी, सरकार ने कानून दिया, बनाया ना, मतलब एक बड़ी बहस हुई, आंदोलन हुआ, सब कुछ हुआ और कानून बनाया गया। जी। क्यों बना? जनता ने सरकार से मांग करी, इसलिए बना। ठीक है, जन दबाव। अब क्या हो रहा है? अब जनता हिंदू मुसलमान में मजे ले रही है, मराठा ब्राह्मण में मजे ले रही है। नेता वो सब काम करेगा जो जनता उससे चाहेगी, बशर्ते आपको वो करवाना पड़ेगा। आप अगर आप ये तय कर लें कि जिस नेता की भाषा अच्छी नहीं होगी उसको हम वोट नहीं देंगे, तो वो नहीं बोलेगा वो भाषा। औकात नहीं है उसकी, बोल दे वो। सही बात, डर लगता है उसको, वोट की चोट लगेगी ना, उल्टा लेटा मिलेगा बेड के ऊपर। सबसे ज्यादा डर नेताओं को तो वोट के चोट से लगता है। क्यों चुनाव हारने के बाद पेट्रोल के दाम कम हो जाते हैं? क्यों गैस सिलेंडर सस्ता हो जाता है? डर लगता है कुर्सी चली जाएगी, जैसे घूमती है ना गोल गोल, हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, जेड सिक्योरिटी चल रही है, प्लेन चल रहा है ना, 5 एकड़ का लुटियंस में बंगला है, 7-8 पीए हैं,
गाड़ी चलती है चाऊ चाऊ करती हुई, जब वो जाती है ना वो तकलीफ होती है, कोई आता नहीं है नमस्ते करने भी, दिवाली पे कोई मिठाई देने भी नहीं आएगा, और अब लाइन लगती है। तो नेता जीता ही उसके लिए है। जब तक जनता इस बात को नहीं समझेगी कि उसको कहां चोट मारनी है, ये तो चीज भी नहीं कर सकते। सबसे कमजोर कोई प्रजाति इस धरती पे है तो वो नेता है, चाहे किसी भी देश का हो। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। राहुल गांधी के हवाले से, राहुल गांधी ने एक बात कही, आपने भी उसको ट्वीट किया, कि राहुल गांधी ने जब अखबारों में लेख लिखे तो उसके बाद उनको बड़े जो व्यापारी घराने हैं वहां से फोन आए कि भाई प्रधानमंत्री जी के पक्ष में कहिए और माहौल बनाइए। मैं ये पूछ रहा था कि इस तरीके के फोन आते हैं या फिर ये कांग्रेस के प्रचार तंत्र की खूबी है कि भाई ऐसा माहौल बनाया गया, राहुल गांधी जी ने लेख लिख दिया है। तो आमतौर पर अपने व्यवहार में राहुल गांधी झूठे व्यक्ति नहीं है, जितना मैंने कांग्रेस पार्टी को नजदीक से कवर किया है। जब उनको चुनाव के दौरान ये कहते हैं कि भाई आप ये वादा कर दिए किसानों का कर्ज माफ हो जाएगा, तो वे कहते हैं कि नहीं, पहले इस पे मुझे एक रिपोर्ट दो कि क्या हम ये कर सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है। सिर्फ चुनाव में बोल देना, मैं वो चीज़ नहीं बोलूंगा। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि उन्होंने समय समय पर चुनावी वादा करने से मना कर दिया, उससे आपको ज्यादा वोट मिल सकती थी। ठीक है, जैसे कोई एक मामला अगर आपको याद आ रहा हो, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश का इलेक्शन 2018 में हुआ था, तो तब कांग्रेस किसानों की कर्ज माफी लेके आई थी। तो इन्होंने कहा कि हम ये वादा करेंगे, तो उसके ऊपर एक रिपोर्ट दी गई कि कितने दिन में हम कैसे इसको माफ कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि 10 दिन में कर देंगे। तब उस रिपोर्ट को देखने के बाद कि ये फिजिबल है या नहीं है, तब राहुल गांधी ने चुनावी सभा में ये वादा किया कि हम किसानों का कर्ज सरकार बनते ही 10 दिन में माफ कर देंगे। ये उसका मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ जी। तो जब ये 10 भाषाओं में आर्टिकल लिखा गया था, और उन्होंने कहा कि मैं उसका मकसद क्या था आर्टिकल का, कि मैं जो देश के बिजनेसमैन है उनके खिलाफ नहीं हूं, मैं मोनोपोली के खिलाफ हूं। वो ये कहते हैं कि इस देश में 100 गौतम अडानियों, 100 मुकेश अंबानियों, 1 मुकेश अंबानी और 1 गौतम अडानी ना हो। राहुल गांधी अपनी आमतौर की भाषाओं में अपने नजदीकी लोगों को ऐसी बातें बोलते हैं कि मैं मोनोपोली के खिलाफ हूं। जैसे वो कहते थे कि हमारी पार्टी में 1 अहमद पटेल क्यों है, सारी पावर उसके पास क्यों है। हालांकि उन्होंने भी सेम गलती कर रखी है। मैं वही कह रहा हूं, मैं तो खुद ही कह रहा हूं, मैं पहले ही बोल चुका हूं आपके शो में। मैं पहले ही बोल चुका हूं, हालांकि उन्होंने भी सेम गलती कर दी, सारी पावर एक ही व्यक्ति को दे दी। ठीक है, लेकिन उस आर्टिकल का मतलब यह था कि मैं मोनोपोली के खिलाफ हूं, और बिजनेस लॉबी को मैसेज देना चाहते थे कि मैं आप लोगों के खिलाफ नहीं हूं। उस दौरान की यह घटना है। लेकिन उस आर्टिकल को कहां चोट लगी, कहां, जब यूनिवर्सिटीज के नाम पे गौतम अडानी ने रेवंत रेड्डी को 100 करोड़ रुपए दिए, और फिर रेवंत रेड्डी ने यह बोला कि मोदी अडानी को पैसे देता है और मैं उसे लेता है। ठीक है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया ये। तो उसी दिन राहुल गांधी की उस मोनोपोली वाली मुहिम को बहुत गहरा झटका लगा है। आपका नेता इतनी बड़ा एक कैंपेन चला रहा है और आपका चीफ मिनिस्टर उनसे पैसे ले रहा है, और फिर उसको कहता है कि मैं उससे लेता है, मोदी उसको देता है। यार क्या राजनीति कर रहे हो, जनता मूर्ख समझ रहे हो क्या? कोई मूर्ख नहीं है। एक आखिरी सवाल, फिर हमारे दर्शकों के सवाल हमेशा की तरह, स्टारलिंक, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हुई है, एलन मस्क ने साथ दिया, एलन मस्क अब सरकार में है, उनकी कंपनी है स्टारलिंक, वो सीधा इंटरनेट देने की बात कर रहे हैं, अब भारत में आएंगे? मुझे लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ना उसको बहुत स्ट्रॉन्गली पुश करेंगे भारत में। जो लास्ट विजिट था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट का, उसमें भी उनको साथ में आना था, लेकिन वो नहीं आए क्योंकि स्टारलिंक पे क्लियरिटी नहीं थी। अब स्टारलिंक के आने से क्या असर पड़ेगा? देखो, पहली बात तो स्टारलिंक में ना तो कोई वायर बिछेगी, ना कोई फाइबर केबल है, वो तो उस पर कोई खर्चा वर्चा नहीं है, जैसे जियो की केबल बिछी हुई है पूरे देश में, एयरटेल की है। ठीक है, वैसा उसका कुछ नहीं। तो टेलीकॉम सेक्टर को, हिंदुस्तान के टेलीकॉम सेक्टर को, सबसे ज्यादा जियो को इसका बड़ा नुकसान हो सकता है, एयरटेल को भी होगा।
अडानी सिर्फ डाटा में है, अभी तक टेलीकॉम में नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि मुझे लगता है जो हमारी टेलीकॉम पॉलिसी है उसके मुताबिक उनको हमारी हिंदुस्तान की किसी कंपनी से कोलैबोरेशन करना पड़ेगा। एफडीआई का जो रूल है उसके थ्रू, लेकिन वो एफडीआई का रूल कई जगह आप 100% कर सकते हो और कई सेक्टर्स में आप नहीं कर सकते, तो टेलीकॉम में आप नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये देखो कि इसका बेनिफिशियरी कौन बनेगा। आजकल कौन ट्वीट कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप को लेके, अच्छे अच्छे वाह सर मजा आ गया, मतलब वो वाले, वो आप चेक कर लेना, आपके दर्शक चेक कर लेंगे कौन कर रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग ऑलरेडी टेलीकॉम के प्लेयर्स हैं उनसे कोलैबोरेशन नहीं होगा। अच्छा, यानी रिलायंस, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, इनसे नहीं होगा, नहीं होगा। अडानी उतरेंगे मैदान में, ऐसे संभावना लगती है मुझे कि अडानी के साथ कोलैबोरेशन होगा और तब स्टारलिंक आएगा। अब ये देखना है कि इसमें मुकेश भाई क्या करेंगे। अडानी ने कुछ इन्वेस्टमेंट भी किया, उन्हीं का भी आप जिक्र करते हैं, उनका ट्वीट भी है मेरे ख्याल से, डोनाल्ड ट्रंप की जीत पे उन्होंने बधाई भी दिया है। तो ये तो हो गए बिजनेस घराने की बात और बाकी चुनाव की। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है स्टारलिंक, स्टारलिंक को हल्के मत लेना। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल हल्के और अमेरिका जो है ना, आजकल पता क्या है, पॉलिटिशियन कम बिजनेसमैन ज्यादा है। ट्रंप खुद बिजनेसमैन है, एलन मस्क बिजनेसमैन है, हमारे वाले वो कौन सा काम है, वो बिजनेसमैन ही है। चलिए इन्हीं चीजों के, इन्हीं बातों के साथ अब अपने दर्शकों के सवाल लेते हैं। सबसे पहले ऋषभ प्रसाद और तुषार चौधरी हमारे दो दर्शक हैं, अगर आपको याद हो तो जो पिछली बातचीत हम लोग कर रहे थे उसमें मैंने जिक्र किया था कि एक समय ऐसा आया था जब भारतीय जनता पार्टी का जो सेंट्रल लीडरशिप है वो योगी जी को हटाने की पूरी प्लानिंग कर चुका था और मैंने किताब का जिक्र किया था। तो ये दो दर्शक है, आपने पूछा है कि कौन सी किताब की मैं बात कर रहा हूँ, तो श्यामलाल यादव इंडियन एक्सप्रेस के जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आरटीआई पे ज्यादा काम करते हैं, उनकी एक किताब है एट द हार्ट ऑफ पावर द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। आदित्य जी ये किताब जो है इसमें आजादी के बाद से लेकर के योगी आदित्यनाथ के जितने मुख्यमंत्री हैं उनके बारे में अच्छी खासी जानकारी है और उसी से मैंने वो बात कही थी। तो ये जानकारी हो गई तुषार जी के लिए और ऋषभ जी के लिए। अब अपने एक दर्शक हैं, हम्बल रेसलिंग उनका प्रोफाइल नेम है, उनका है कि नमस्ते आदेश रावल जी, व्हाट यू कैन से अबाउट योगी इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस इन बीजेपी, इफ मोदी एंड शाह आर वरीड अबाउट योगी एंड आरएसएस रिसेंट क्लोजनेस आफ्टर 2014 लोकसभा इलेक्शन। ये वही कह रहे हैं कि मतलब 2024 के बाद क्या योगी और आरएसएस में जो नजदीकी बढ़ी है उसको लेकर के योगी और शाह, मोदी और शाह चिंतित हैं क्या, इसके बारे में आपका क्या आकलन है? आपको उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के बढ़ते कद को लेकर मैं इसका जवाब ऐसे दे देता हूं कि जब ये नारा दिया गया बटोगे तो कटोगे, तो जाहिर तौर पर इस नारे के पीछे एक मंथन तो हुआ होगा, ऐसा तो दिया नहीं होगा और दिलवाया किससे गया, योगी जी से। तो क्या ये इस बात के संकेत हैं कि योगी जी हिंदुस्तान में और बीजेपी में हिंदुत्व के सबसे बड़े नेता हैं? इसका मतलब तो है, और उसका समर्थन किया फिर आरएसएस ने, इंद्रेश जी का एक स्टेटमेंट आया था उसके बाद, ठीक है, फिर उसी नारे को थोड़ा सा घुमा के लाइटली पेश किया प्रधानमंत्री जी ने, ठीक है, और फिर प्रधानमंत्री जी के उसी नारे को सेम तरह पेश किया राहुल गांधी ने, पांच लोगों की फोटो लगा के, जिसमें अडानी हैं, जिसमें अमित शाह हैं, प्रधानमंत्री मोदी हैं, अजीत डोवल हैं और माधवी पुछे जी, ठीक है, तो सबके अपने अपने वक्तव्य हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि योगी जी जो हैं, जिस हिसाब से उनसे नारा दिलवाया गया तो उनको प्रेजेंट किया जा रहा है कि ये बीजेपी के सबसे बड़े हिंदुत्व के चेहरे हैं, इसी में इनका जवाब है। इसी में जवाब है। यहाँ पे एक छोटा सा इनपुट मेरा भी है जो मैं पिछले कुछ दिन से नोटिस कर रहा हूँ, जब चाणक्यापुरी रोड से आप जाते हैं और जो उत्तर प्रदेश भवन है वहां पे जो एक मॉनिटर स्क्रीन लगा हुआ है जिसपे प्रचार आता रहता है राज्य सरकार का, वहां एक तस्वीर अभी मुझे लग रहा है कुछ दिन पहले ही अपडेट हुई है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और योगी आदित्यनाथ हैं और दोनों के कटआउट लगभग बराबर हैं, ऐसा बाकी जगह पे नहीं दिखता है आपको? और कोई मुख्यमंत्री उनकी तस्वीर प्रधानमंत्री जी के बराबर में तो नहीं देखी मैंने, छोटी रहती है वहां पर, वो बराबर तस्वीर दिखती मैंने है। मैंने आपके शो में पहले भी कहा है, नायब सिंह सैनी, भजन लाल शर्मा, मोहन यादव, विष्णुदेव सहाय, पूरी एक लिस्ट है,
योड़ी साहब वाले का मुझे नाम भी नहीं पता, मुझे नहीं पता किसको पता होगा। हाँ ठीक है, नहीं कुछ नाम मैं भी मिस कर रहा हूँ अभी, वो भी स्क्रीन पे लिख रहे हैं। नहीं नहीं बताऊँ क्यों कारण है इसका, हमारी गलती नहीं है। सबसे बीजेपी जो चाहती है ना, ये बेसिकली ये मॉडल बहुत पुराना है, ये भी कांग्रेस पार्टी में हुआ करता था और सेम बेसिकली इंदिरा गांधी का मॉडल था, ये सेम मॉडल मोदी जी का है, चलाएंगे ऊपर से। भजन लाल शर्मा जो आदमी टिकट मांगता वो घूम रहा था, भरतपुर से टिकट मांग रहे थे, उनको टिकट दिया जयपुर के पास से कहीं से, आज वो मुख्यमंत्री हैं। क्यों है? इनसे एक ही गलती हुई, योगी जी को चीफ मिनिस्टर बना दिया। ये बार बार कह रहे हैं। नहीं मैं हर बार ही कहता हूं, ही इज द मोस्ट पावरफुल पॉलिटिशियन बीजेपी में। आज आप देखना उनकी पॉपुलैरिटी, आप चेक करवा लो जमीन पे जाके, एक सर्वे करा लो, जब नतीजे आएंगे ना अलग ही आएंगे। बिल्कुल, इसमें कहीं दो रहे नहीं, बहुत लोकप्रिय आदमी। तो हम लोग घूमते हैं और देखते हैं, वो पता चलता है। राधा रमेश, अगर मैं आपका नाम सही से ले पा रहा हूँ, इनका सवाल बड़ा दिलचस्प है। कांग्रेस दिल्ली में जोड़ो, कांग्रेस दिल्ली जोड़ो यात्रा निकाल रही है, इससे कांग्रेस का फायदा होगा क्या? मैं ये पूछना चाहता हूँ इस सवाल में ऐड करके कि दिल्ली चुनाव से पहले ये यात्रा तो निकली है, राहुल गांधी तो इससे नदारद है, ये कैसी यात्रा हो रही है? मतलब पार्टी ने क्या सोच के ये यात्रा निकाला? 70 सीटों पे यात्रा जाएगी और चुनाव क्योंकि चल रहा है इसलिए शायद राहुल गांधी प्रियंका गांधी नहीं आ पाए इसमें अभी, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद 20 तारीख के बाद, 18 को लास्ट डे ऑफ कैंपेन है, उसके बाद कहीं भी इनमें लीडरशिप में से इवन कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी प्रियंका गांधी कोई ना कोई इसमें शामिल होगा। और किसी भी यात्रा का या किसी भी नेता का जमीन पे जाने से फायदा होता है, चाहे एक वोट का हो, घर बैठने से तो अच्छा है। लेकिन आदेश जी, ये मैं सवाल बार बार पीछे भी मैंने पूछा और आपने कहा कि राजनीति में ये सब होता है, लेकिन कैसे होता है कि एक चुनाव में आपका गठबंधन होता है, दूसरे चुनाव में आप अकेले जाएंगे, कैडर कंफ्यूज नहीं होता, वोटर कंफ्यूज नहीं होगा? भाई क्या स्थिति है आपकी? ऊपर वाले ही कंफ्यूज है, कैडर क्या करे बेचारा। ये दिलचस्प जवाब। मुझे ना एक नेता मिला आम आदमी पार्टी का, वो बोला कि यार हरियाणा चुनाव में हम सिर्फ तीन, अगर हमें 3 सीट दे देते ना उसमें मान जाते, और हमने कह भी दिया था 3 ही दे दो बस। बोला इनकी इतनी हाई अरोगेंस थी, फिर हमें 3 सीट भी नहीं थी और राहुल गांधी कहने के बावजूद भी नहीं थी। सोचिए, कमाल पार्टी है कांग्रेस। हर्षल शाह है वो, एक तो पहले आपको शुक्रिया बोल रहे हैं कि आपने सचिन पायलट पे शो किया, ये लंबे समय से कह रहे थे, तो शुक्रिया आपको दे रहे हैं। हाँ, रावल जी से पूछना था कि कर्नाटक में डीके शिवकुमार और भाजपा नेता तेजस्वी सूर्या की मुलाकात के बारे में बताएं, वहां कुछ पक रहा है दोनों नेताओं के बीच में? नहीं, इतना बड़ा लेवल थोड़ी तेजस्वी सूर्या का कि वो कुछ पकाएंगे डीके के साथ मिलके। कितना साफ जवाब देते हैं आप यार, मतलब आप खुद सोच लो ना यार, आप जो व्यक्ति राजनीति को जानता है समझता है थोड़ा बहुत भी, उसको ये समझना चाहिए कि तेजस्वी सूर्या का लेवल नहीं है कि वो डीके से मिलके कुछ पकाएंगे। क्यों यार, डीके तुर्रम का आदमी है, वो अगला लड़ाई लड़ रहा है चीफ मिनिस्टर की, वो भी बेचारे सेकंड टर्म के सांसद हैं, काफी युवा हैं, एज गैप बहुत ज्यादा है। तो ये हो सकता है कि क्योंकि बेंगलुरु डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो उसके मंत्री डीके खुद हैं और वो वहां से सांसद हैं, तो कुछ बातचीत होगा, अभी प्रोजेक्ट होगा, फाइल होगी, कुछ वैसा होगा जो होता है पॉलिटिकल लोगों के बीच में। लेकिन राजनीतिक बातें भी तो ऐसी मुलाकातों में होती होंगी। जाहिर होती है, कहा क्यों नहीं होती, क्योंकि जब मैंने आपको बताया था पिछली बार कि जो जितने भी ये जो लैंड स्कैम आ रहा है चीफ मिनिस्टर का, उसमें इनका हाथ बताया जा रहा है डीके जी का, क्योंकि ये फ्रंट रनर है उस पोस्ट के लिए। देखिए, खिलाड़ी तो डीके शिवकुमार भी बहुत सही है, हर नेता जो उस लेवल पे है वो सब खिलाड़ी हैं। कोई यहाँ मतलब नांगचिल्ले नहीं आया, सब सब कलाकार हैं। दिलचस्प बात। और लास्ट सवाल है हमारा, हमारे एक दर्शक है ओम प्रकाश राणा, वो भी डीके शिवकुमार पे कह रहे हैं कि क्या डीके शिवकुमार कांग्रेस छोड़ेंगे, क्यों कांग्रेस डीके शिवकुमार को इंचार्ज नहीं बना रही किसी राज्य का? मतलब वो क्रेडिबल प्लेयर तो हैं पार्टी के, ऐसा वो कह रहे हैं, और गांधी परिवार के भी करीबी हैं। ये इनका नाम राणा जी है ना? हाँ, राणा जी, डीके शिवकुमार जो हैं वो कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं और कई विभागों के मंत्री हैं, तो मुझे लगता है इन सब पे रहते हुए कांग्रेस पार्टी के महासचिव नहीं बन सकते। नहीं, कांग्रेस पार्टी के महासचिव नहीं करें, किसी तो, राज्य के इंचार्ज। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ, महासचिव ही इंचार्ज ही उसी को बोलते हैं। ओके ओके, हाँ सॉरी, वो नहीं बन सकते अभी। अच्छा, वो नहीं बन सकते, कैसे बनेंगे? पार्टी का कोई रूल है? जब क्या होता है, ये तब बनते हो आप जब आप सत्ता में नहीं होते,
रूल नहीं है। पहली बात तो ये कि या तो आप संगठन में काम करोगे या सरकार में काम करोगे। तो अभी सरकार है तो सरकार में काम करेंगे, जब सरकार नहीं होगी तब संगठन में काम करेंगे। जनरली होता क्या है, जब जब भी कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री हार जाते हैं तो वो जनरल सेक्रेटरी बन जाते हैं दिल्ली में। अशोक गहलोत जब भी हारते हैं जनरल सेक्रेटरी दिल्ली बन जाते हैं। तो सत्ता के रहते कौन जनरल सेक्रेटरी बनता है? इनका मतलब शायद ये पूछना नहीं है कि चुनाव जिन राज्यों में है वहां पे तो बनाया जाता है ना सत्ता में रहते हुए। हेमंत बिस्वा सत्ता में रहते हुए दूसरे काम होते हैं, जिम्मेदारी दूसरी होती है। क्या बता दीजिए, ये सब नहीं होती। नहीं, उसको एलिब्रेट नहीं कर सकते, कभी इस पे कुछ कह नहीं सकता। सत्ता में जो रहता है, जहाँ पावर होती है, जिस भी स्टेट गवर्नमेंट के पास, वो लोग कभी महासचिव नहीं बनते। जब सत्ता चली जाती है तब वो बड़ा नेता पार्टी के संगठन की तरफ देखता है, फिर वो दिल्ली में महासचिव बनता है, किसी राज्य का इंचार्ज होता है, फिर वहां चुनाव करवाता है। और जब वो सत्ता में रह चुका होता है तो उनके उस सत्ता में रहे कार्यकाल का फायदा पार्टी वहां उठाने की कोशिश करती है कि आप संसाधनों के जरिए पार्टी की मदद कीजिए। ये पूरा सिस्टम इतना ही बता सकता हूँ। अच्छा, इससे ज्यादा एलिब्रेट नहीं कर सकता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का ये हमारा शो हंसी से भरा हुआ और आदेश रावल जी के। अच्छा, लोग मैं खत्म करूं, उसके पहले मैं कमेंट पढ़ता हूं। सब एक ही बात कहते हैं ज्यादातर लोग, आपका अंदाज बहुत सही है रावल जी, आप बिल्कुल एकदम खटाक से बोल देते हो, कुछ भी बोल देते हो, मतलब कुछ भी नहीं बोलते हो लेकिन एकदम ऐसे जवाब देते हो जैसे ज्यादातर लोग नहीं देते हैं। डरते हैं। इसका नुकसान होता है कभी आपको? बहुत, मुझे लगता था कि नुकसान तो बहुत नुकसान होता है। जैसे मतलब लोग बसते होंगे, नेता बसते होंगे थोड़े? नहीं, बसते नहीं है, नाराज हो जाते हैं जिनके बारे में आप कह देते हो, अच्छा नहीं लगता उनको अपने बारे में ये सब सुनना। लेकिन क्या है ना यार, देखो वो उनका काम है या हमारा काम है, हमारी दाल रोटी किससे है? उसी से है ना। हाँ, हाँ, जो हम बात कर रहे हैं। हाँ, हाँ, जब आप लोग देखोगे, व्यूज आएंगे तो हमें पैसे मिलेंगे, हमारा घर चलेगा। ये भी बहुत साफ साफ बता रहे हैं आप, ठीक है? नहीं नहीं, हम तो हम कंटेंट बेच रहे हैं ना भाई जी। जो हम जानकारी दे रहे हैं जनता में क्यों देखेगी? कि कुछ अलग बताएं जी, तभी देखेगी। हाँ। नहीं तो 250 चैनल है यूट्यूब पे तो ज्यादा तो ही है। हम नेताओं की दी हुई रोटी नहीं खाते। हाँ। इसलिए हम खुल के बोलते हैं। चलिए, तो मुझसे हो तो नाथुराम जैसी नहीं तो वही ना। चलिए, इसी नोट पे ऑफ कैमरा का ये एपिसोड खत्म करते हैं। हमेशा की तरह शो देखिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक टास्क और है आपके लिए, सवाल तो पूछिए, अब कमेंट पे ये भी बताना शुरू करिए कि अगला एपिसोड किसके बारे में आप देखना चाहते हैं, कौन से विषय पे जानकारी चाहते हैं। जिस पे ज्यादा कमेंट आएंगे हम लोग उस पे भी बातचीत करेंगे, एक एपिसोड करने की कोशिश। ये भी भाग आपका है। हाँ, मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।